जैसा कि आपको पता है 24 अक्टूबर को दशहरे का उत्सव मनाया जाना है, असत्य पर सत्य की जीत। तो इसकी तैयारियां प्रभु राम की कृपा से काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, स्वागत द्वार बनने शुरू हो गए हैं, वो आपके सामने हैं। पुतले भी आगरा से कारीगर आए हुए हैं और लगभग तैयारी में हैं। अब तो इंतज़ार है उस समय का जब रावण दहन होना है। इसके अलावा सभी कार्यक्रम जो रूटीन में हैं, हमारे मुख्य अतिथि भी सब तय हो चुके हैं, कार्ड बन चुका है, बस जल्द ही तैयारी है और अब आपके सामने पुतले कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 17 में बनाए जा रहे हैं। अब की बार कुछ नया अलग करने की वो है कि या पुराने ट्रेंड पे ही चला जाएगा जी? नहीं नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही नया करने की इच्छा है वो, लेकिन बताएंगे अगली बार, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, बताने के बाद तो फिर वो नया नहीं रहेगा, तो इसलिए तैयारियां हो चुकी हैं लेकिन अगली बार बताएंगे। प्रशासन से सर मिले हो, प्रशासन का सहयोग भी जरूरी होता है? प्रशासन से मिल चुके हैं, हुड्डा जिसकी ज़मीन है जहाँ पर होता है दशहरा, आखिरी बार यहाँ पर होगा, इस बार इसके बाद और कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट काटे जा चुके हैं। अभी हमने हुड्डा ऑफिस से मिल के 1 महीने के लिए उसे रिक्वेस्ट की है, भाई ये जगह भी 1 महीना हमें दे दो और दशहरा हम यहाँ पर मना सकें। अगली बार तो प्रभु राम की इच्छा है यहाँ पर होगा। सर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, प्रशासन से कोई सिक्योरिटी की मांग की गई हो? नहीं नहीं, वो तो प्रशासन के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, प्रशासन है हमारे साथ हो पाएगा। हमारे को 150 पुलिस के कर्मचारी और SHO ड्यूटी पर रहेंगे और DSP अभी फाइनल होने हैं, कौन से DSP हमारे पास आएंगे, तो ये सारा कार्य तो सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि तैयारियाँ पिछले कई दिनों से लगातार जारी है सर, कितनी लगता है इस बार लोगों में उत्साह भी, अभी कितने लोग इस बार आ सकते हैं? नहीं, इस बार देखो प्रभु की इच्छा है, कोई हमारे पानीपत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर दिक्कत हो, भीड़ फुल रहेगी, पहले से ज़्यादा रहेगी, लेकिन हमारा एरिया बहुत खुला है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी आने जाने में भी, क्योंकि दशहरा का उत्सव जब होता है तो दशहरा खाली होने में ज़्यादा समय हमारे यहाँ नहीं लगता, क्योंकि हर तरफ रास्ते हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। सर जैसे कि भीड़ ज़्यादा रहती है, जेब कटने का भी खतरा रहता है, क्या CCTV का इंतज़ाम इस बार? CCTV का इंतज़ाम फुल है इस बार, पहले से भी ज़्यादा है, पहले 12 कैमरे लगाए जाते हैं, इस बार 24 लगेंगे, डबल कर दिए सर। हाँ, और सभी रास्तों पे जो सेक्टर 18 से आता है, नूरवाला से आता है, GT रोड से आता है और तहसील कैंप से आता है, हर तरफ कैमरे लगाए जाएंगे। उसमें एक ब्लैक रूम बनाया जाएगा, वहाँ पे एट ए टाइम 2 बंदे देखकर, उसके साथ पुलिस कर्मचारी भी रहेंगे और उनको देखकर कोई भी अनहोनी घटना होने वाली है तो उसको अंदाज़ा वहाँ पे वो बता देंगे। और हमने सिविल हॉस्पिटल से भी परमिशन ले ली है, एम्बुलेंस वगैरह उनके आएंगे और डॉक्टर्स प्राइवेट आएंगे और फायर ब्रिगेड वगैरह सब फायर ब्रिगेड की NOC और बिजली डिपार्टमेंट की सबकी NOC ले ली है। पुतलों की लंबाई क्या रहेगी सर आपकी बार? पुतलों की लंबाई वही रहेगी रूटीन वाली जो पहले रखते हैं, 65-70। टाइमिंग क्या रहेगा राउंड दहन का सर? 5:41 वो सबके लिए एक है, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार जो समय रखा जाता है वो सबके लिए एक है। चीफ गेस्ट बता रहे हैं आप फाइनल हो गए, बताएंगे सर कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं आपकी बात? चीफ गेस्ट हमारे पास कृष्णलाल कुमार जी संसद सदस्य और हमारे MP साहब संजय भाटिया जी, महिपाल डांडा जी, प्रमोद वीर जी, मेयर अवनीत कौर, उसके अलावा हमारे कुछ व्यापारी साथी हैं वो भी सभी आ रहे हैं। पिछली बार जैसे लंका दहन किया गया था, लंका बनाई गई थी, इस बार कुछ अलग रहने वाला है दर्शकों के लिए? इस बार लंका दहन का आपको बताएंगे कि हम कब करने जा रहे हैं, वो बताएंगे आपको। हनुमान स्वरूप बैठ चुके हैं सर? हाँ, वो आज 21वें वाले भी आज बैठ चुके हैं, 40 वाले तो पहले बैठ गए थे, आज लगभग जो है वो बैठ चुके हैं, कुछ एक बच्चे हैं जो 11वें पे बैठेंगे जी, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु वालों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इस बार टी शर्टें बनेंगी,
हर एक अनुमान स्वरूप के साथ 10 लोग आ सकेंगे, 10 टी शर्ट उनको दी जाएंगी। और मेरे सभी पानीपत निवासियों से प्रार्थना है कि समय पर पहुँच कर अपने आशीर्वाद हम साथियों को दें। ठीक है।